वेलकम टू संबित हल्दा टेक सपोर्ट चैनल। मैं हूँ संबित और यहाँ पर मैं अमेजोन फायर टीवी स्टिक का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और उसका छोटा रिव्यू भी देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने फाइनली अमेजोन से 3,200 रुपये में ये बॉक्स मैंने खरीद लिया है और मेरे लिए ख़रीदा है और मैं यूज़ करूँगा, इस्तेमाल करूँगा और उसके ऊपर जो भी टिप्स वगैरह या फिर सजेशन वगैरह होगा वो सब मैं शेयर करूँगा। और जो नया सब्सक्राइबर्स है उनको मैं कहता हूँ या फिर नए व्यूअर्स है, प्लीज़ बेल बटन को दबा दो और जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हुए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो, तभी जाके नोटिफिकेशन मिलेगा नया वीडियोज़ का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सारी डिटेल्स क्या है। पहले तो बात करूँ मैंने अमेजोन फायर स्टिक टीवी क्यों लिया है, अनबॉक्स करते करते बात करता हूँ। ये अमेजोन से मिला 3,200 रुपये में, जैसे कि आप लोगों सभी को पता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक भी मिल जाएगा 3,200 रुपये में जो बिक रहा है अमेजोन फायर टीवी स्टिक। और ये बहुत ही किफ़ायती है आज के डेट पर, क्योंकि सभी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ते बढ़ते ऐसा दिन आ जाएगा जब ये 4,000 से कम कभी डिस्काउंट ही नहीं दे पाएगा। ऐसा ही डर मुझे भी लगा था और मैंने ख़रीद लिया 3,200 रुपये में, और शायद ये प्राइस घट भी सकता है, कुछ भी बता नहीं सकता, क्योंकि 4K जो अमेजोन फायर टीवी स्टिक है वो ख़रीदना सच में जिनके पास 4K टीवी है उनके लिए तो सही होगा, और जिनके पास 4K टीवी नहीं है उनकी बात किया जाए तो, जैसे कि मेरे पास 4K टीवी नहीं है, मेरे पास सिर्फ फुल HD टीवी है, तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती है एक केबल टीवी का कनेक्शन से तो बहुत ही ज़्यादा। और ये फायर टीवी स्टिक ये पुराना वाला ही है और ये कुछ इस तरह से दिखता है बॉक्स, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर वॉइस रिमोट भी मिलता है और इसका जो पैकेजिंग के बाहर कुछ डिटेल्स दिया गया है, एड्रेस या फिर जो प्राइस तो शायद देने वाला था, प्राइस जो 3,999 इसका प्राइस दिया गया है, और पता नहीं इस प्राइस में कोई भी लोग खरीदे या ना खरीदे, तो बहुत ही अच्छा डिवाइस है तो इसे फाइनली काटना पड़ेगा। इस बॉक्स में तो खाली कुछ भी नहीं दिया गया है और यहाँ पर इसे भी उतरना पड़ेगा, तो यहाँ पर जैसे ये फोल्डिंग टाइप का सेट मिल रहा है, तो पहला चीज़ मैं बता दूँ ये यूज़र गाइड, ये यूज़र गाइड बहुत ही अच्छा है और फायर टीवी स्टिक का जो वारंटी वगैरह होता है शायद इसमें ही लिखा होता है, और कैसे आप यूज़ कर पाओगे, किस तरह से आप टीवी से कनेक्ट कर पाओगे यहाँ पर वो मेंशन किया जाता है, आप इसे फेंकना मत, कभी किसी का ज़रूरत पे आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं कहीं पर अमेजोन में देख रहा था कि फायर टीवी स्टिक का जो यूज़र गाइड है 4K टीवी का, उसका एक बुक निकल आया है कुछ 400 या फिर 500 रुपए के अंदर ही इसका प्राइस होगा, तो पता नहीं उसका क्या गाइड दे रहा है, तो बाद में अगर मैं अगर ख़रीदूँ तो ज़रूर मैं बताऊँगा, तो मुझे ख़रीदने की चांसेस, मेरे ख़रीदने के चांसेस ना के बराबर है। और चलो मेन डिवाइस को बाद में निकालता हूँ, फ़िलहाल के लिए क्या क्या दिया गया है एक बार से बोल दूँ। तो यहाँ पर ये चारों चीज़ दिया गया है, बैटरी दिया गया है, यहाँ पर दोनों केबल मैं देख रहा हूँ, यहाँ से दोनों केबल दिख रहा है, एक ये एक ये, तो एक HDMI केबल हो सकता है, और यहाँ पर एक रिमोट है, एक डिवाइस है। चलो मेन डिवाइस को निकालता हूँ, ये डिवाइस अच्छी तरीके से पैकिंग किया गया है, उसके बाद रिमोट, ये रिमोट अभी तक बैटरी नहीं डाला गया है, बहुत ही हल्का सा छोटा सा रिमोट है, एक हाथों में समा जाता है, मेरे हाथों के बराबर है, तो ये बहुत ही स्मार्ट टाइप का दिखता है, हाँ वॉइस रिमोट है ये, और नीचे अमेजोन का लोगो दिया गया है। और क्या मिलता है, बैटरी को अगर देखा जाए तो दोनों AAA बैटरी दिया गया है, अमेजोन का बैटरी AAA बैटरी या अमेजोन का बैटरी, और यहाँ पर केबल जो दिया गया है, ओ एक चार्जर दिया गया है, यहाँ पर एक चार्जर था, चार्जर नहीं इसे हम क्या कहेंगे, ये पावर पॉइंट का प्लग है, आप इसे प्लग इन करके डिवाइस को ऑन रख सकते हो,
इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करने के लिए। अमेज़न का लोगो भी दिया गया है और यहाँ पर केबल जो दिया गया है, वाओ केबल तो बहुत अच्छा है। तो केबल यहाँ पर जो केबल दिया गया है ये डेटा ट्रांसफ़र के लिए या फिर चार्जिंग के लिए इनफ है, क्योंकि ये बहुत ही हाई क्वालिटी केबल है। अंदर जो सॉलिड चीज़ दिया गया है यानी केबल का क्वालिटी बहुत ही हाई है, स्मूथ रबराइज्ड है कुछ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये फिनिशिंग। और अमेज़न का ओरिजिनल का ओरिजिनल प्रोडक्ट ही है, इसके लिए ही ऐसा है, तो बहुत ही अच्छा। और लाइक लास्ट वाला जो चीज़ दिया गया है उसे हम बाहर निकलते हैं, ये क्या है पता है? HDMI केबल। तो ये HDMI केबल जो दिया गया है बहुत ही काम का चीज़ है, आप इसे मत फेंकना। ये HDMI केबल यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट Amazon Fire TV स्टिक का जो डिवाइस है वहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ का जो पॉइंट है ये आपका स्मार्ट टीवी या फिर जो ओल्ड नॉर्मल सा टीवी है, नॉर्मल सा मतलब HDMI पोर्ट वाला टीवी है, वहीं से कनेक्ट कर पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो मैं डिवाइस को ओपन करता हूँ पैकिंग से, और ये चीज़ मुझे कैसा लगा मैं बताऊँगा उसके बाद, थोड़ा मेन चीज़ भी देख लूँ। तो यहाँ पर है डिवाइस, और डिवाइस का HDMI पोर्ट दिया गया है, ये कोई USB पोर्ट नहीं, ध्यान पे रखिए ये HDMI पोर्ट है। HDMI पोर्ट अगर लगाना है या फिर कनेक्ट करना है तो इस टाइप का जो जैक आपको चाहिए, और ये फास्ट ट्रांसफरेबल जो स्ट्रीमिंग डिवाइस के लिए है, यही आप यूज़ करें तो अच्छा होगा। यानी बड़ा वाला यानी लोकल जो मिलता है वो कभी कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, स्ट्रीमिंग स्लो हो जाता है या फिर प्रॉब्लम दिख सकते हो। तो इसे मैं अनपैक करूँगा और कैसे इसके साथ कनेक्ट करना है मैं दिखाऊँगा। तो फिलहाल के लिए बता दूं, ये डिवाइस एक पेन ड्राइव से थोड़ा बहुत लंबा है, डेटा कार्ड टाइप का दिखता है, आपके हाथों में पूरी तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ मॉडल नंबर दिया गया है, और पीछे जो अमेज़न का जो लोगो यहाँ पर दिख जाता है, और एक साइड में कुछ भी नहीं दिखता है, पीछे भी कुछ नहीं, सिर्फ HDMI पोर्ट दिखता है, HDMI लिखा हुआ दिखता है। और यहाँ पर जो पावर के लिए पावर लिखा हुआ है, एक माइक्रो USB पोर्ट का इनपुट डिवाइस दिखता है। केबल दिया गया है आपको, इस केबल से माइक्रो USB पोर्ट जो दिया गया है, माइक्रो USB पोर्ट से ये कनेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट जो दिया गया है, ये पोर्ट यहाँ पर जाएगा, ये थोड़ा टाइट है, नया है इसके लिए, और ऐसे ही रहने वाला है शायद। और ऐसा तो कनेक्ट हो गया है पावर केबल, तो मैं अभी तो दिखा नहीं पाऊँगा, थोड़ी देर बाद दिखाऊँगा, और मैं उससे पहले कुछ बता भी दूँगा। तो और एक केबल है, और एक केबल जो ये HDMI केबल है, तो ये देखिए ये HDMI पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, और ये है HDMI पोर्ट का फीमेल पोर्ट। तो ये मेल पोर्ट के साथ फीमेल पोर्ट ईजिली कनेक्ट हो जाता है, थोड़ा जोर लगा के टाइट दे दीजिए, ये आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। और फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है, अमेज़न का प्रोडक्ट है, मुझे अच्छा लगा। तो ये थोड़ा सा हेल्प कर देगा, क्योंकि ये पोर्ट ये जैक अगर नहीं दिया जाता तो कभी कभी मेरा जो टीवी है इतना डिस्टेंस के बाद वो डिवाइस अगर नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो मैंने ये क्यों ख़रीदा, आप शुरू करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था, मैं केबल टीवी लेने वाला था, केबल के कनेक्शन आप सभी को पता ही होगा, मेरे यहाँ पर तो फिलहाल के लिए क्या दिया गया है, कुछ 150 रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा प्राइस का एक फालतू रिचार्ज करवाना पड़ता है, जहाँ पर आपको ढेर सारा बेतुकी चैनल दिया जाता है, और वो चैनल आपका काम में कभी नहीं आने वाला है। तो उसके जगह पर मैं सोच रहा था कि ज़रा फायर टीवी स्टिक को ले लूँ तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट हमेशा ही रहता है और वाईफाई कनेक्शन भी। तो उसके लिए मैंने ले लिया है, और यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है, मैं इसको उतारूंगा नहीं, ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आपके पास अगर कोई कवर वगैरह हो तो जल्दी से प्रोटेक्शन के लिए वो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं यहाँ से ओपन करना पड़ेगा टीवी रिमोट को, पीछे से धकेलना पड़ेगा,
तो ये आसानी से ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो गया है, पीछे दो बैटरी की जगह है तो बैटरी में डाल दूंगा। बैटरी दोनों ट्रिपल ए बैटरी जो है इस तरह से डालना पड़ेगा। यहाँ पर सिंबल दिया गया है, आप इस तरह से ही डालोगे तभी जाके काम करेगा। तो ये हो गया मेरा जो पैकिंग नहीं, ये जो टीवी स्टिक है ये रेडी हो गया है। फिलहाल के लिए टीवी स्टिक नहीं, ये जो रिमोट है ये रेडी हो चुका है और मैं फिर से इसको अंदर डाल दूंगा पैकेट के अंदर, तो ये सेफ रहेगा ज़्यादा दिनों तक। यहाँ पर इतना धूल है कि मैं अगर इस्तेमाल करूँ तो प्रॉब्लम में आ सकता हूँ या फिर ख़राब हो सकता है जल्दी जल्दी, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है क्योंकि बार बार तो मैं नहीं खरीदूँगा। और हाँ, जो मैं बताने वाला था क्यों मैंने खरीदा, तो केबल लाइन में वो तो मुझे 150 रुपये का रिचार्ज करवाना ही पड़ता हर महीने। उसके बाद अगर मैं कुछ चैनल वगैरह नहीं था, ज़्यादातर मैं टीवी नहीं देखता, तो मेरे वाइफ अगर देखता है या फिर घर बैठे मेरे मम्मी पापा देखते हैं, उनके लिए तो अलग से एक चैनल लिया गया है। मेरा ही था, वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। एक्चुअली मुझे नहीं लेना था वो केबल लाइन, उसके ऊपर 150 रुपये या फिर 200 रुपये का एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ आपको देना पड़ता है हर महीने कुछ 300 या फिर उससे भी ज़्यादा प्राइस। और केबल लाइन अच्छा होता है, कनेक्शन बहुत ही अच्छा होता है, एक कंटिन्यूटी रहता है, पर आपके पास अगर इंटरनेट है और मेरे पास अगर इंटरनेट है तो मैं क्यों लूँगा केबल कनेक्शन। मेरे पास इंटरनेट है तो मैं फ्री में भी देख सकता हूँ बहुत सारे चैनल्स, और 999 रुपये में प्राइम भी एंजॉय कर सकता हूँ। इसी के लिए मैंने ले लिया है इसका ट्रिमिंग डिवाइस, और ये डिवाइस मेरे लिए बहुत ही लाभजनक पड़ेगा क्योंकि मैं हमेशा ये इस्तेमाल करने वाला हूँ। यूट्यूब वगैरह मुझे कभी कभी टीवी में भी देखना पड़ता है, पिक्चर क्वालिटी कैसा है, मेरा वीडियोस कैसा है, तो उसके लिए तो ज़रूर ये डिवाइस लेना चाहिए मुझे। तो मैंने फाइनली इसके लिए ले लिया, और मुझे जो लगा कि ये स्ट्रीमिंग डिवाइस 3,200 रुपये में मिल रहा, तो क्यों ना लूँ। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम हो रहा है, 2019 से पहले दिसंबर में ही खरीद लिया। टीवी का रिमोट एंड जो आपके पास पावर टीवी स्टिक का रिमोट है, दोनों ही हाथों में रखो। ये फिलहाल के लिए दोनों जगह पर ही पावर मिल गया है और ये दोनों ही काम कर रहा है। तो फिलहाल के लिए टीवी से HDMI पोर्ट देना पड़ेगा जिस पोर्ट में आप कनेक्ट किए हो। तो HDMI पोर्ट जैसे कि ये देख रहा है HDMI पोर्ट, यहाँ पर एक HDMI है इस तरह से, तो ये अमेज़न फायर टीवी स्टिक के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो इसका लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, तो ये प्रेस करना पड़ेगा, ये बटन प्रेस करने के लिए लग रहा है। हेलो, ये प्रेस करते ही, ये बटन प्रेस करते ही ये आ गया है। तो प्रेस टू स्टार्ट, प्रेस ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, मिडिल वाला जो बटन है उसे, तो इसको अगर प्रेस करूँगा तभी जाके ये अप्लाई होगा प्ले बटन को। तो यहाँ पर जो साउंड का सेटिंग है वो मैं इस तरह से सेट कर दूँगा साउंड का सेटिंग। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने जब लिया था अमेज़न फायर टीवी स्टिक, तो वहाँ पर क्या हुआ था, अमेज़न फायर टीवी स्टिक के लेते ही मुझे दिख रहा था कि
अमेजोन फायर टीवी स्टिक मेरा जो अमेजोन का अकाउंट है उससे रजिस्टर हो चुका है, यानी वो डिवाइस रजिस्टर हो चुका है। तो इस डिवाइस पे शायद होने वाला है मेरा अमेजोन अकाउंट और उसी से ऑटोमेटिकली लॉग इन करना पड़ेगा और ये हो जाएगा। ये जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर कंटिन्यू एज सोमवीत हल्दर चेंज माई अकाउंट, तो ये कर सकता हूँ। जैसे कि रजिस्टर हो चुका है योर अमेजोन फायर टीवी स्टिक रजिस्टर टू सोमवीत हल्दर, डू यू वॉन्ट टू यूज अकाउंट, यूज दिस अकाउंट? यस, मैं आपको इसी से यूज करने वाला हूँ। तो इसको यूज करने के लिए तो यहाँ पर नेटवर्क वाईफाई पासवर्ड वगैरह चाहिए। वाईफाई पासवर्ड एंटर करने के लिए ऑन द डिवाइस यू विल बी सेट टू अमेजोन हेल्प कनेक्ट योर कंपैटिबल डिवाइस एंड लर्न मोर डिवाइस डीएस। यस, यू कैन इनेबल द डिजेबल फीचर ऑफ सेटिंग नेटवर्क वाईफाई पासवर्ड। यस यस करूँगा। यहाँ पर इनेबल कर सकते हो पेरेंटल कंट्रोल जो है आपका, जो अगर आपके पास अगर चिल्ड्रन है तो वो लोग क्या चीज़ देख रहा है उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा आपका। और मैं कैमरे को इस तरह से दिखा देता हूँ तो अच्छा रहेगा ना, तो उसका कंट्रोल रहेगा। तो मैं इनेबल नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई अभी तो कोई चैनल वगैरह नहीं आता है, बच्चे नहीं है। तो यहाँ पर नेटवर्क स्पीड चेक कर तो आपका साउंड बटन नहीं दिया गया, जैसे कि ये क्विक टूर दिख रहा है, ये जो देख लो तो अच्छा होगा। आप जान सकते हो कैसे कैसे आप अमेज़न फायर टीवी स्टिक को इस्तेमाल कर सकते हो, कौन सा स्ट्रीमिंग डिवाइस है, कैसे काम करता है। तो फिलहाल के लिए इस क्विक टूर को ज़रूर देखना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। और आप अगर नहीं चाहते हो तो इसको क्विट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और इसको देख लेना ही पड़ता है, ये पहले जब स्टार्ट होता है अमेज़न फायर टीवी स्टिक तो ऐसा ही स्टार्ट होता है। और आपको ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा केबल लाइन के लिए वेट करो, कहीं पर भी जाओ वहाँ पर टीवी तो ज़रूरी होगा, और स्मार्ट टीवी या फिर कोई ऐसा जो नॉर्मल सा टीवी है HDMI पोर्ट वाला, वहाँ से आप कनेक्ट करके आपका फायर टीवी स्टिक कैरी करके लेके जा सकते हो और देख भी सकते हो अपना स्ट्रीमिंग। तो वहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत ज़रूर होगा। मैं रेफर करता हूँ कि प्रेफर करूँगा कि 10 Mbps मिनिमम स्पीड रहना चाहिए, तभी जाके आपका स्ट्रीमिंग स्मूथली चलने वाला है, आपका कोई टेंशन नहीं होगा। कभी कभी स्लो हो जाता है, कभी कभी 5 Mbps टू 8 Mbps में स्पीड रहता है, तभी जाके स्लो स्ट्रीमिंग होता है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए मैं 10 Mbps का सजेशन दे रहा हूँ। तो मेरे पास 30 Mbps का स्पीड है वाईफाई, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये गेट स्टार्टेड और नो थैंक्स, they are all free to download some apps require payment for full access। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड कर लेता हूँ। यहाँ पर हॉटस्टार, बूट, सोनी, बहुत सारे टीवीज है यहाँ पर, और भी है विच म्यूजिक जो है यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ये पूरा तरीके से ये स्मार्ट टीवी नहीं था, स्मार्ट टीवी बन चुका है ये अमेज़न फायर टीवी स्टिक के जरिए से। और ये NGTV, किड्स फास्ट, ये सब तो चलता ही रहेगा। चलो पहले तो टीवी का रिमोट जो है उसे हाथ में रखना चाहिए, क्योंकि साउंड बटन आपको नहीं दिया गया है, अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सब बात की बात है। मैंने पहले शुरू किया है तो फिलहाल के लिए मैं इससे काम चलवा लूँगा। यहाँ पर अनम्यूट कर देता हूँ टीवी को। तो ये सब अनअवेलेबल दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया उसके लिए। तो ये टीवी यहाँ पे जो कनेक्शन है टीवी इज करेंटली अनअवेलेबल, तो यहाँ पर सर्वर्स को नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए जो ऐप्स है उसी से कंट्रोल करता हूँ। तो यहाँ पर और एक काम किया जा सकता है, वॉइस रिमोट अमेजोन का जो प्राइम है, अमेजोन प्राइम। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और नेक्स्ट वीडियो पे फिर से ही ऐसा कुछ धमाकेदार वीडियो लाके आपके लिए आपके सामने रखूँगा। और आपको अगर अच्छा लगता तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको नोटिफिकेशन ना जाए तो आप मिस कर चुके होंगे मेरा नया वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं रोजाना टेक्निकल वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ और लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। गुड बाय एंड जय हिंद।